अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड किन्हें कहते हैं? अभी तक हमने देखा एटम था, उसके सेंटर में न्यूक्लियस था और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब इस फर्स्ट ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी थी E1 और सेकंड की थी हमने मान लिया था E2। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है E1, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी थी इनकी। ठीक है, उसी तरह जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उन सब की सेम एनर्जी थी, लगभग सेम एनर्जी थी E2। ठीक है, तो उसे हमने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस था R1। ठीक है, तो R1 डिस्टेंस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या है? E1। ठीक है, उसी तरह R2 डिस्टेंस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल क्या है? E2। तो हमने इसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो इन्हें कह दिया था एनर्जी लेवल। ऑर्बिट्स मतलब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब अभी तक हम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे, मतलब इसके आसपास कोई और दूसरा एटम नहीं है जो इसे इफेक्ट या इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड में क्या होता है? बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे एटम आसपास जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, मतलब अपना इफेक्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है, अब सब ये सारे एटम्स हैं, इनके सेंटर में सबके क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब मान लिया अभी हम लेते हैं इन सबके फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे एटम्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल में। ठीक है, अब इस मान लिया ये वाला एटम है, इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले जब ये आइसोलेटेड था एटम, जब इसके आसपास कोई और एटम नहीं था, तब जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके फर्स्ट शेल में, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहा था अपने न्यूक्लियस से और अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से, जितने भी इसके आसपास चार्ज थे। ठीक है, लेकिन सॉलिड के केस में क्या होगा? सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन, मान लिया इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये आसपास के सारे एटम से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, ये इसके इसके जो नेबर में जो एटम है इससे भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसके न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, मतलब ये इस अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इसमें, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपस में रिपेल करेंगे, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह ये इससे भी इफेक्ट होगा, इससे भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, सबसे आसपास के जितने भी उसके एटम्स हैं उन सबसे ये इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगा रहे होंगे, कोई अट्रैक्शन का कोई रिपल्शन का। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसकी पहले एनर्जी थी, पहले इसकी एनर्जी क्या थी इस इलेक्ट्रॉन की, जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में था? E1 थी। ठीक है, E1 एनर्जी थी। ठीक है, अब जब ये सॉलिड के फॉर्म में आएगा तब इसकी जो E1 एनर्जी होगी ये थोड़ी शिफ्ट कर जाएगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे भी ओवरऑल रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी शिफ्ट कर जाएगी। वो ये जो शिफ्ट होगा बहुत स्लाइट शिफ्ट होगा। ठीक है, बहुत ज़रा सा शिफ्ट होगा, या तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह सेम एटम के अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसको भी आसपास के सारे एटम्स इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ये भी इसे इन्फ्लुएंस करेगा, इसका न्यूक्लियस भी इसे इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरे वाले का भी न्यूक्लियस, इस तरीके से इसे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो जो सेम एटम के जो फर्स्ट शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी अभी तक एनर्जी क्या थी? E1 थी दोनों की, इन दोनों की। ठीक है, अब क्या होगा? इनकी एनर्जीज में शिफ्ट आ जाएगा क्योंकि ये आसपास के एटम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो शिफ्ट क्या होगा? या तो वो इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लिया इसकी
एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी डिक्रीज हो गई, तो दोनों में शिफ्ट आ गया। अब इसने अपना एक ऑर्बिट बना लिया, इसने अपना दूसरा ऑर्बिट बना लिया, क्योंकि ऑर्बिट मीन्स एनर्जी लेवल। इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया और इसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन जो डिक्रीज और जो इंक्रीज हुआ वो बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, बस थोड़ा सा स्लाइट चेंज होगा इनकी एनर्जीज में, ठीक है, या तो थोड़ी वो इंक्रीज हो जाएगी या थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो अपना ऑर्बिट बना लेंगे, ठीक है। अब अभी तक हम देख रहे थे एनर्जी लेवल, ठीक है, ये देख रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी E1 थी, जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में थी, ठीक है। अब उनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया, एक थोड़ा बढ़ गया, एक थोड़ा कम हो गया, लेकिन है तो सेम ऑर्बिट का, ठीक है। तो पहले एनर्जी इतनी थी, तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और दूसरे की थोड़ी सी कम हो गई, बहुत कम डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अब एक सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनके फर्स्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबकी एनर्जी कुछ की बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उनके लेवल्स चेंज हो जाएंगे एनर्जी के, तो ये लेवल एक तरीके का बैंड बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी के लेवल चेंज हो गए और एक तरीके का उन्होंने एक बैंड बना लिया, ठीक है, तो इसे कहते हैं एनर्जी बैंड। अब ये अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, अगर अब इनके सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखें सबके एटम के, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी पहले जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में थे, जब सेकंड शेल की हम बात कर रहे थे, तो उनकी एनर्जी थी E2, ठीक है, तो पहले थी E2। अब इनमें क्या हुआ, ये फिर सॉलिड के फॉर्म में, तो ये आपस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का फोर्स लगेगा सब पे, तो ओवरऑल एनर्जी उनकी सबकी शिफ्ट हो जाएगी, जो पहले थी वो नहीं रहेगी, ठीक है, तो किसी की कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी एक तरीके का बैंड बना लेंगे, ठीक है, तो इन्हें ही कहते हैं हम एनर्जी बैंड, ठीक है। अभी तक जब हम आइसोलेटेड की बात कर रहे थे तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है, क्योंकि सबकी एक फिक्स एनर्जी थी। अब सॉलिड के फॉर्म में ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनकी सबकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है, सबकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, तो वो एक तरीके का बैंड बना लेंगे, तो इन्हें कहते हैं हम एनर्जी बैंड्स, ठीक है। तो ये थे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन का एटम है, ठीक है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 14, ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 4, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 8 और थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये एक, अभी हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की, मतलब इसके आसपास कोई अभी दूसरा एटम नहीं है, ठीक है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या था, फर्स्ट मान लिया इसकी फर्स्ट शेल के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी है E1, ऐसी सेकंड में क्या है E2। अब थर्ड इसका जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये कौन सा शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सिलिकॉन एज अ सॉलिड लेंगे तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। अब इन सबके सेंटर में होगा आपके न्यूक्लियस। अब इसके लिए अभी हमने देखा एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके फर्स्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में होंगे 8 और थर्ड में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी बैंड जो बनेगा उसमें बहुत सारी एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक बैंड हो गया ये फर्स्ट शेल के, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी एनर्जी लेवल चेंज हो गई, तो उन्होंने एक बैंड फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब सबके जो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अपना एक बैंड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, उनके एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे, तो ये सेकेंड बैंड हो गया, ये फर्स्ट बैंड हो गया,
ऐसे ही जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपना एक बैंड बना लेंगे, उनके एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे, ठीक है। उस बैंड को हम कहेंगे बैलेंस बैंड। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सिलिकॉन का, ठीक है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उससे हमने कह दिया वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये जो बैंड होता है ये फुल्ली फिल्ड होता है, लेकिन अब जब सिलिकॉन को हम देखते हैं तो उसके एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए टू बी फुली फिल्ड, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो थर्ड ऑर्बिट थर्ड लेवल होगा वो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभी 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी फुल्ली फिल्ड, ठीक है। लेकिन जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, तो जो इसका वैलेंस बैंड होगा ये फुल्ली फिल्ड होगा। वो क्यों होगा? अब क्योंकि सिलिकॉन जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके, जैसे अगर हम इसके आउटर मोस्ट शेल देखें सिर्फ, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपने शेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए ये क्या करेगा, अपने जो नेबर के एटम्स हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये इससे शेयरिंग कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और इससे शेयर कर लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर कर लेगा, तो आपस में जो अपना आउटर मोस्ट शेल है ये कम्प्लीटली फिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इन अ सॉलिड। तो जब हम इसके बैंड देखते हैं, तो जब इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं तो फर्स्ट बैंड हो गया इसका, जो फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बैंड, फिर सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपना एक बैंड बनाया था, उसी तरह जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे वो थर्ड बैंड बनाएंगे, इसे हम कह रहे थे वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा इन केस ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि उसने क्या करा, शेयरिंग कर ली और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कम्प्लीटली फिल कर लिया, ठीक है। तो ये था बैंड डायग्राम फॉर सिलिकॉन, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सिलिकॉन। अब एक और एनर्जी लेवल होता है इसके आगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये एम्प्टी होता है, ठीक है, और इसके बीच के गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, मतलब इस लेवल के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, ये गैप हो जाता है कि इस लेवल के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये होता, ये था सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम।